आज मैं आपको बताऊंगा सीजीएल 2022 के मेंस की स्ट्रेटेजी। सब्जेक्ट वाइज जानेंगे। आज सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, इंग्लिश को कैसे टैकल करना है इस सीजीएल 2022 मेंस के लिए स्पेशली। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बाइफरकेट करेंगे, लिटरेचर, वोकैबुलरी, ग्रामर, तीन चीज़ हैं। 200 क्वेश्चंस पहले आते थे, अब आते हैं 45 क्वेश्चंस। तो स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। 45 क्वेश्चंस एक नंबर का तीन क्वेश्चन होगा, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो सकता है। तो हमको सबसे पहले कवर करना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कवर कहाँ से करेंगे? किरण पब्लिकेशन की बुक लीजिए, ये वाली बुक लीजिए, किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज टिल डेट की, लेटेस्ट लेना है। ठीक है, टिल डेट की लेना है। इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज मिलने का मतलब ये है कि आप टारगेट करके इसको एक महीने के अंदर अंदर खत्म कर सकते हैं। जैसे कि आप टारगेट कर लिए 5 दिन में आपको एरर खत्म करना है, 7 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट खत्म करना है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सीजीएल एसएससी सीजीएल के जितने भी पेपर हुए अभी 1999 से लेके 2022 तक, उसमें जो क्लोज टेस्ट कंप्रेंशन और पैरा जंबल का जो लेवल है 1999 से लेके 2012 तक का जो लेवल आया है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल है। ठीक है, आज अगर आप ट्राई करते हैं 2000 से लेके 2012 तक का कोई भी क्लोज टेस्ट जो 10 क्वेश्चन वाला हो, आप उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन कर पाओगे, 4 क्वेश्चन आपके नहीं होंगे या गलत हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। पहले मैं आपको बोलता था कि मॉक वाइज करिए, क्योंकि मॉक वाइज सारा कुछ रिवाइज हो जाता था एक साथ, लेकिन अब आपको मॉक वाइज नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है किरण पब्लिकेशन की बुक आपको यूज करनी है, मस्ट बाय बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसको खरीदिए, और अगर है तो आपके पास अच्छी बात है, कंप्लीट टारगेट कहीं खत्म करिए, स्पेशली क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और कॉम्प्रेंशन, इसको करना ही करना है। क्योंकि सिलेबस में भी मेंशन किया है कि 2 कॉम्प्रेंशन आपके इजी आएंगे, 2 कॉम्प्रेंशन आपके ज्योरल बेस आएंगे। ठीक है, तो आपको रीडिंग स्किल अच्छी करनी होगी, प्रैक्टिस अच्छा करना होगा। प्रीवियस ईयर तो करना ही करना मस्ट है, जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। सेकेंड थिंग, वोकैबुलरी पे आएंगे। वोकैबुलरी हम आपको पहले बता चुका है, देसी जुगाड़ करिए या ब्लैक बुक करिए, जो किताब आपको समझ में आती है आप उसको करिए, ईजी आपको जैसे ईजी लगता है उस चीज़ को करिए, वही किताब है मार्केट में, दोनों में से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड थिंग है ग्रामर। ग्रामर कहाँ से करना है? ग्रामर आपको नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम फर्स्ट रोली पढ़ जाइए, बोरिंग लगता है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। रानी मैडम का जो यूट्यूब चैनल है उसको उन्होंने इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स को कंपाइल कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आपका सारा रिविजन हो जाएगा। थर्ड थिंग है रीडिंग, क्योंकि रीडिंग स्किल ही आपको जनेक्स तक लेके जाएगा। आपका पेपर 200 नंबर का हो, आपका पेपर 45 क्वेश्चन का हो, डिपेंड नहीं करता, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। रीडिंग स्किल के लिए अब आपको न्यूज़पेपर करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि मैं एडिटोरियल बेसिस पे ही क्लोज टेस्ट या कॉम्पिटिशन आएगा, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का सिंपल सा तरीका, कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, एडिटोरियल पेज के 2-3 पैराग्राफ होते हैं एक एडिटोरियल पेज में, उसको कम्प्लीटली पढ़िए, आपको 100% समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ जिनको आदत नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। आप जब लगातार 10 से 15 दिन उसको पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी 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 समझ में आने लगेंगी। कैसे? उसके लिए आपको जो भी वोकैब उसमें आपको समझ नहीं आता उसको आपको कहीं अलग से नोट करके रिवाइज करना होगा बार बार, कि उसका मतलब क्या है। एक महीने के अंदर अंदर जो भी वोकैब्स आप लिखे होंगे वो बार 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 रिपीट होने लगेंगे। तो जैसे ही वो चीज़ें रिपीट होने लगे, जैसे ही वो वोकैब्स रिपीट होने लगे, तो आपको समझ जाना है कि हाँ अब ठीक है, तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और उसके बाद आपके पास लगभग 2 महीने रहेगा मेंस के लिए, तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें थी आपको इंग्लिश के लिए करनी। सिंपली सबसे पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट टारगेट करिए, कंप्लीट करिए, किरण पब्लिकेशन वाली से आप पूरा प्रैक्टिस करिए, उसको खत्म करिए, 2-3 बार रिवाइज करना है उसको। सेकंड थिंग वोकैबुलरी, ब्लैक बुक उठा लीजिए या देसी जुगाड़ उठा लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। थर्ड थिंग ग्रामर के रूल्स, नीतू मैम की किताब या रानी मैडम का यूट्यूब चैनल। फोर्थ थिंग इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट हो आपके आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं। मेरा ग्रुप है सीजीएल एलेक्सी बाई के और टेलीग्राम, आप उसमें भी जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके लाइफ के रिलेटेड, आपके क्या लाइफ में फेस में कोई दिक्कत चल रही है, या आप किसी चीज़ से परेशान हैं, या किसी पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चे मुझसे वहाँ पर पूछते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, इसी तरह जीके की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, इसी तरह स्पेशली रीजनिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।